हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने टेंस। सबसे पहले जानते हैं टेंस का काम क्या होता है, टेंस होता क्या है। तो हम जानते हैं टेंस का काम होता है टाइम बताना। कहाँ टाइम बताता है? सेंटेंस में, राइट? किसके द्वारा? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के द्वारा। तो टेंस का काम होता है कि किसी सेंटेंस में फॉर्म्स ऑफ वर्ब के द्वारा टाइम बताना। तो हम डेफिनेशन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि टेंस टेल्स टाइम थ्रू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन अ सेंटेंस। दूसरी बात आती है कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, मतलब तीन टाइम को दिखाता है ये। प्रेजेंट टाइम, जिसमें हम हैं, पास्ट टाइम जो बीत चुका है, और फ्यूचर टाइम जो आया नहीं है। उसके बारे में हम केवल पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, प्लान, अरेंजमेंट यही कर सकते हैं, राइट? अब आगे चलते हैं कि इन तीनों के जो में जो है, ये चार प्रकार के एक्शंस का जो एक्शंस को दिखाया जा सकता है, राइट? जैसे कि कंटिन्यूअस है, जिसको हम प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रोग्रेसिव भी होता है नाम इसका, इम्परफेक्ट भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई चीज को बताता है कि कोई चीज एक्शन में है, कोई चीज प्रोग्रेस में है। और ये परफेक्ट बताता है कि कोई चीज कंप्लीट हो चुका है, कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बताता है कि कोई काम प्रोग्रेस में है, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया होता है, सोर्स ऑफ टाइम दिया होता है, जिससे ये पता तो लग जाता है कि इतने देर में कोई काम समाप्त होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 30 मिनट्स, राइट? मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं 1 घंटा पढ़ाता हूं, मतलब कि मेरे पास मैं और भी 30 मिनट ही पढ़ा पाऊंगा, राइट? तो यहां पे हमें गेस हो जाता है, क्योंकि काम कंटिन्यू है दोनों में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में फर्क ये है कि इसमें टाइम दिया होता है। अब आते हैं सिंपल को, इनडेफिनिट भी कहते हैं। तो सिंपल में क्या होता है कि इसमें हैबिट, डेली रूटीन, मतलब जो कंटिन्यूअस परफेक्ट ये नहीं दिखाता, वो दिखाता है आपका सिंपल, राइट? तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट, पास्ट सिंपल या पास्ट इनडेफिनिट। आप ये भी कह सकते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल। सिंपल को आप पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट इम्परफेक्ट, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन है कि हम कैसे पहचाने। अभी हम सिंपल के बारे में उतना बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में। तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बी प्लस फोर्थ फॉर्म। अब बी क्या होता है? तो यहाँ पे मैं फॉर्म लिखा हूं कि बी का सेकंड फॉर्म में वर्ड्स वर आता है, फर्स्ट फॉर्म में बी या आर दोनों आता है, थर्ड फॉर्म में बीन आता है, फोर्थ फॉर्म में इसका फॉर्म हो जाता है बींग, और फिफ्थ फॉर्म में इज या एम हो जाता है। अब देखते हैं बी का ये है, अगर इनके बाद ing फॉर्म आता है, फोर्थ फॉर्म मींस ing फॉर्म आता है, तो समझ लीजिए कोई काम एक्शन, कोई एक्शन जो है प्रोग्रेस में है। उसी प्रोग्रेस को बताने के लिए बी के बाद हमेशा ing फॉर्म का यूज होता है। यहां पे भी देख लेंगे, यहां प्रोग्रेस की बारे में बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पे भी बी का फॉर्म है बीन, तब ing है। इसका मतलब कि इस किसी सेंटेंस में उसके प्रोग्रेस की बात की जा रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन हियर, I am doing my homework. तो यहाँ पे B का form है am. फिर doing my homework, ing form में. तो इसका मतलब क्या है? कोई action, मतलब progress में है. तो अभी हम देखेंगे इस form को भी. Perfect का form क्या होता है? Have plus third form. और have का form क्या होता है? Have का form होता है have, has, had. इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। अगर ऐसा है तो बताएगा, केवल एक ही चीज बताएगा कि कोई एक्शन जो है कंप्लीट हो चला है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में यह होता है कि हैव बीन, मतलब हैव का फॉर्म चल जाएगा, हैज, हैव या हैड, और तब आईएनजी फॉर्म रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आगे चलते हैं हम इसमें, मैंने ये बनाया हुआ है फॉर्म का कि बी का फॉर्म प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है। तो बी का फॉर्म जो होता है प्रेजेंट में इज होता है, और पुलर में आर होता है। एम जो होता है ना, सिंगुलर में रख ले चाहे पुलर में, कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख लिया, क्योंकि स्पेशल आई के साथ ही एम का यूज होता है। उसी में पास्ट में सिंगुलर वॉज आता है बी का फॉर्म, और पुलर में वर आता है। हैव का प्रेजेंट में सिंगुलर हैज आएगा, पुलर में हैव आएगा, पास्ट में सिंगुलर हो या पुलर हो दोनों में हैड आएगा।
अगला जो क्वेश्चन है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात हमने की है, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने फॉर्म्स होते हैं, क्या नाम होते हैं, ये सारी चीज हम जानते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है टोटल 5 है, राइट, जिसमें मेनली 3 पढ़ना होता है। ये क्यों नहीं पढ़ते ये भी बता देता हूं मैं। तो फर्स्ट फॉर्म जैसा होता है स्टडी, हीट, ब्रिंग, गो, राइट, स्टैंड, सीट, स्लीप, ये सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म होते हैं, जिसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये चारों जो है ना इसी बेस फॉर्म में एड करके इसका फॉर्मेशन करते हैं चारों का। जैसे स्टडी में ईडी लगा दिया, स्टडीड हो गया। थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा दिया, स्टडीड हो गया। इसमें आईएनजी लगा दिया, स्टडिंग हो गया। इसमें ईएस लगा दिया तो स्टडीज हो गया। होता क्या है कि फोर्थ एंड फिफ्थ में बेस फॉर्म में केवल आईएनजी लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म हो जाता है। जैसे स्टडी का स्टडिंग, हीट का हीटिंग, ब्रिंग का ब्रिंगिंग, गो का गोइंग, राइट। अब फिफ्थ फॉर्म जो होता है एस या एस लगाने से बनता है। जैसे स्टडी का स्टडीज, हीट का हीट्स, ब्रिंग का ब्रिंग्स, गो का गोज, राइट। तो ये हो जाता है फिफ्थ फॉर्म। इसलिए हमें आवश्यकता नहीं होती क्योंकि फिक्स रूल है उसका, रेगुलर फॉर्म चलता है। अब इसकी बात करें तो हम इसको दो कैटेगरी में फॉर्म्स ऑफ वर्ब को बांट सकते हैं। एक होता है रेगुलर होता है, जिसमें केवल हम ईडी लगा करके दोनों में सेकेंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। जैसे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, मतलब ईडी ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो जो वर्ब होते हैं, वर्ब तो बहुत सारे हैं, हमेशा फॉर्मेशन होता है उसका। तो जो मैक्सिमम पोर्शन जो है वर्ब का, उसमें केवल ईडी लगा के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। कुछ जो पोर्शन है, आई थिंक 180 टू 200 के आसपास है, वह इरेगुलर होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। उसमें दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वह फॉर्म जो तीनों फॉर्म में सेम होता है, हीट हीट हीट, राइट, लेट लेट लेट। दूसरा जो फॉर्म, मतलब तीनों फॉर्म सेम होगा। दूसरा जो ग्रुप होता है केवल दो फॉर्म सेम होगा, जैसे ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। इसमें दो फॉर्म सेम है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। हो सकता है फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम हो, मतलब केवल दो फॉर्म सेम होना चाहिए। तीसरा जो कैटेगरी है, जैसे गो, वेंट, गोन, तो ये तीनों के तीनों अलग होता है। तो इसमें इरेगुलर में हमने तीन कैटेगरी देखा, तीनों फॉर्म सेम, तीनों फॉर्म अलग अलग, और केवल दो फॉर्म सेम। तो इसको आप कैटेगराइज करके ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं, और आप इरेगुलर फॉर्म्स के नाम से भी टाइप करके उसका आप लिस्ट निकाल सकते हैं। अब आगे आते हैं, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बिना हम टेंस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के द्वारा हमें सब कुछ पता चलेगा कौन सा टेंस है। आगे हम चलते हैं एग्जांपल्स पे, मेनली हम फोकस यही कर रहे हैं। आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा? क्योंकि एम जो होगा प्रेजेंट में है और आई एन जी फॉर्म है, राइट, डूइंग है यहाँ पे, क्लियर है। सो आई एम डूइंग माई होमवर्क, I am doing my homework, ये जो है present continuous का है, आप देख सकते हैं, right? Present continuous का है, लेकिन I was doing my homework, ये past continuous का है। जो ing वाला form होता है, चाहे कोई भी tense हो, ये change नहीं होता। ये केवल ये बताएगा कि कोई चीज continuous में है जब भी form के बाद आता है। लेकिन जब हम ये helping word change कर देते हैं ना, जैसे is, am, are लगा दें, तो ये present continuous हो जाएगा। ये तो continuous बता ही रहा है, और ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट बता रहा है, राइट। अगर वॉज हो जाए तो पास्ट बताएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, पास्ट कंटिन्यूअस में ये हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से हम देखें आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी आप देखिए हैव बीन, आई के साथ हमेशा हैव आता है, राइट, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। I have been doing, तो have been आ गया helping verb, और doing यानी ing form, और last में for और since से फिर उसके बाद से time आता है। तो वहां पे हमें समझना है कि for ही क्यों use किया। जब भी हम duration की बात करते हैं तो उसके पहले for लगता है, लेकिन जब हम किसी point of time की बात करते हैं, जैसे Monday, Sunday, Tuesday, 1865, right, 250, तो जब भी हम point की बात करते हैं तब तो वहां पे सिंस आएगा, जैसे फोर टू आवर्स, लेकिन हम कह सकते हैं सिंस 6 PM,
क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं है। तो यही होता है सिंस और फोर का अंतर। अगर वही हमें पास्ट में कहना हो तो आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा था, राइट right? और आई हैव बीन मतलब मैं 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा हूं, ये प्रेजेंट में अभी भी हो रहा है, चल रहा है। ये पास्ट की अगर बात करें तो हो चुका है, राइट पहले ही उसी पास्ट में ही समाप्त हो चुका है, उसका प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है। कुछ दूर चला, कंटिन्यूअस हुआ, फिर बाद में वो समाप्त हो गया। आगे हम चलते हैं परफेक्ट की बात करते हैं। तो ये तीनों के तीनों परफेक्ट, मतलब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो समझ जाइए वो पास्ट में ही रहता है। कोई काम समाप्त कर लीजिए वो पास्ट में चला जाता है। तो उसके लिए 3 टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस पे भी इसको दिखाऊंगा ताकि आप लोग को 100% समझ में आए। ही हैज डन हिज होमवर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए जैसा कि मैंने बताया है, राइट right? तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। He had done, तो ये भी थर्ड फॉर्म हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया क्योंकि had से पता चला पास्ट है। He did his homework, ये सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट का नहीं बताया हूं लेकिन यहां पे बता दो फिलहाल, अभी और डिटेल में बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट वर्सेस सिंपल पास्ट, राइट। सो सिंपल पास्ट में यहाँ पे जो मतलब है हमारा, ये भी काम कंप्लीट हो जाता है उसके लिए भी यूज हो जाता है। जैसे ही डिड हिज होमवर्क मतलब उसने अपना काम कर लिया, यहाँ पे टाइम लगा दीजिए सबसे अच्छा रहेगा। He did his homework yesterday, right? तो यहां पे भी काम समाप्त होने की बात हो रही है, यहां भी समाप्त होने की, यहां भी समाप्त होने की, राइट right?